जिनको पीस दिखता है तो उनकी आंखों पर ऐनक लगी हुई है, क्योंकि आतंकवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। और आतंकवाद अभी भी है, आप देखते हैं कि हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, अफसर शहीद हो गए, हमारे पुलिस के DSPs और पुलिस के जवान शहीद हो गए। राजनाथ सिंह जी तशरीफ लाए, उनने इसका जायज़ा लिया, उनने उन सब रिश्तेदारों का सुना जो वहाँ उनसे मिले, उनसे कहा कि क्या हुआ है, और उन्होंने इसका वादा किया है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी छानबीन जल्दी होगी और जल्दी ये लोगों के सामने आएगा कि इन्हें सज़ा क्या दी है, क्योंकि नहीं तो लोगों का एतबार जो है वो उठ जाएगा। वो उनकी आंखों पर जो ऐनक लगी है उससे वही दिखता है, उससे फारूक अब्दुल्ला क्या कर सकता है। आतंकवाद है, कहाँ से आ रहा है? हमारे पड़ोसी से आ रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक कि दोनों मुल्क बातचीत के टेबल पे नहीं आएंगे, नहीं ख़त्म होगा। मैं आपसे खून से लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा। और चार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, चार लड़ाइयों में ये जो हमारा सरहद है वो वहीं पे खड़ी है, और लड़ाइयों से कोई फैसला नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ना होगा। आप देखिए कितने साल, एक साल से वो रूस का और उस मुल्क का लड़ाई हो रही है, है? कौन मर रहा है वहाँ पे? वो जो वहाँ के रहने वाले हैं, बर्बादी किन की हो रही है? जो वहाँ रहने वाले हैं, रूस की नहीं हो रही है, या अमेरिका जो मदद कर उनकी नहीं हो रही है, उन लोगों की जो वहाँ रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ, मर तो हम जाएंगे, हम सब ख़त्म हो जाएगा। इसे दुआ करें अल्लाह से कि ऐसी बात ना हो और बातचीत से ये मसला हल हो और दोनों मुल्क मोहब्बत में रहें, तरक्की करेंगे, और वही हम चाहते हैं। पाकिस्तान की हालत आपको पता है, अब इलेक्शन आने वाले हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म वहाँ पर अच्छा आएगा और वो इस बातचीत को आगे चलाने की कोशिश करेगा, और हिंदुस्तान में भी इलेक्शन आने वाले, हमारे वतन में इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें भी जो नया वज़ीर आज़म बनेगा, जो हुकूमत बनेगी, उनको इसी तरह तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक इसी तरह तवज्जो नहीं देंगे ये हमें खाता जाएगा, और इसका नतीजा सिर्फ हम पे ही नहीं पड़ रहा है, हिंदुस्तान के हर मुसलमान पे इसका असर पड़ रहा है। जब ये हो रहा है तो मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं उन पे निशाना किया जाता है और कहा जाता है ये पाकिस्तानी है। अगर वो पाकिस्तानी होते तो वो कब के पाकिस्तान गए होते? हम भी 47-48 में पाकिस्तान गए थे, नहीं गए, यहाँ रहे। इसे ये जो नफ़रत पैदा हो रही है, इस नफ़रत को ख़त्म करना पड़ेगा अगर मुल्क को बचना है। अगर नहीं ख़त्म की तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस मुल्क का हाल बहुत। सियों के साथ बात काफ़ी बार की है, काफ़ी बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पड़ोसी नहीं माना तो फिर दूसरा तरीका तो आता ही है। तो आजकल जिस प्रकार से कोई आतंकवादी घटनाएँ होती हैं तो फारूक अब्दुल्ला साहब ये रागल अपना शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है कि उनकी सुई पाकिस्तान पर अटक गई है। तो पाकिस्तान की चिंता ना करें, अपने भारत की चिंता करें। मुझे लगता है कि यहाँ चिंता करोगे तो ज़रूर लोग भी आपका साथ देंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान का राग अलापना बंद करें। क्या लग रहा है कि जो राजौरी पुंछ के हालातों को लेकर उन्होंने कल भी समीक्षा की, आपके अध्यक्ष साहब भी राजौरी पुंछ का दौरा किया है, घायलों से उन्होंने जाना है, ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट आप कैसे देख रहे हैं? कि पहले कश्मीर में बिगड़े हुए हालात को सुधारा है, ठीक है, आतंकियों ने अपनी रणनीति चेंज की होगी, अपना जो कार्यक्षेत्र चेंज किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास है, वो सक्षम हैं, उनके कारण से ही आतंकवाद ख़त्म हुआ है, तो इसको भी कर दिया जाएगा। पूरी एजेंसीज काम कर रही है, कई बार किसी बात में चूक भी होती है, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम उनको उनके किए किराए पर पानी फेरना शुरू कर दें और उनके खिलाफ बातें करें। सुरक्षा बलों पर विश्वास करना चाहिए, वही बॉर्डर पर लड़ते हैं, वही सीमाओं पर लड़ते हैं।